दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे शेयर्स के बारे में जो कि आने वाले टाइम में यानी कि फ्यूचर में आपको मल्टी वेगर रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आने वाला टाइम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का होने वाला है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में यूज आने वाली लिथियम आयन बैटरी। तो यहां पर मैं आपको टाटा पावर के साथ में दो और ऐसे शेयर्स यहां पर सजेस्ट करने वाला हूं जिनको लेकर आज के दिन काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, और यदि आपने इन दोनों शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो डेफिनेटली ये आपको मल्टी वेगर रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं टाटा पावर के बारे में जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाती है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी काफी सेक्टर में काम करती है यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन तो बनाती ही, साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में भी कंपनी काम करती है। और यहां पर बात करें कंपनी के आईपीओ के बारे में, तो रिसेंटली कल ही के दिन हमें एक न्यूज देखने को मिली है कि टाटा पावर का आईपीओ अब हमें आते हुए देखने को नहीं मिलेगा और यहां पर सेपरेट एंटिटी जो टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड है वो हमें यहां पर देखने को मिलेगी। तो अल्टीमेटली उससे भी टाटा पावर के शेयर होल्डर्स को काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि यहां पर जो अगर टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड का आईपीओ आ जाता तो वहां से कंपनी का रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। यहां पर सब्सिडरी कंपनी ही टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड का जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो टाटा पावर के अंदर ही इंक्लूड किया जाएगा। रिसेंटली कंपनी को एक काफी अच्छा प्रोजेक्ट भी हाथ लगा है लगभग 950 करोड़ रुपए का, और साथ ही साथ टाटा ग्रुप की ही एक सब्सिडरी कंपनी का टाटा पावर को यहां पर एक ऑर्डर भी मिला है इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एस्टेब्लिश करने का 11 डेस्टिनेशंस के अंदर। तो ओवरऑल टाटा पावर जैसा कि आपको बताया कि पिछले एक साल में भी लगभग 200% से ज्यादा के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुकी है ये कंपनी, और आने वाले टाइम में ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को मल्टी वेगर रिटर्न्स बनाकर दे सकती है, क्योंकि आपको प्रेजेंट का तो सोचकर चलना ही है लेकिन साथ ही साथ फ्यूचर का भी सोच के चलना है, क्योंकि यहां पर लॉन्ग टर्म पर्पस से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म पर्पस में जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा डिमांड रहने वाली है वो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल विथम लिथियम आयन बैटरी, यही सब आपको आगे मल्टी वेगर रिटर्न्स देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर टाटा पावर की बात करें तो कंपनी फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग है। रिसेंटली कंपनी ने क्वार्टर टू में 421 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट भी जनरेट किया है, तो नो डाउट टाटा पावर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो लॉन्ग टर्म पर्पस से पोजीशंस को होल्ड करके चलिए, बाय ऑन डिप करके चलिए, और साथ ही साथ यहां पर अगर आप फ्रेश पोजीशंस बनाना चाहते हैं तो करंट शेयर प्राइस से आप इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हुए चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, ये तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं लिथियम आयन बैटरी के बारे में, लेकिन उसके पहले जो आज के दिन बड़ी अपडेट निकल कर आई है उसकी तरफ आपको ले चलता हूं। सबसे पहले मैं न्यूज की डेट और टाइम आपको कंफर्म करवा देना चाहता हूं। आप देख सकते हैं आज ही के दिन ये न्यूज निकल कर आई है। ये न्यूज किसकी तरफ से निकल कर आई है, अमिताभ कांत जो कि यहां पर नीति आयोग के सीईओ हैं, उनकी तरफ से ये अपडेट निकल कर आई है। और अल्टीमेटली ये जो अपडेट है ये लिथियम आयन बैटरी बनाने वाली जितनी भी कंपनीज है उनको लेकर यहां पर निकल कर आई है। तो आप देख सकते हैं अमिताभ कांत सेड दैट वन ऑफ द लेसन्स लर्न्ड वाज दैट इन द एरिया ऑफ मोबाइल फोन्स एंड सोलर एनर्जी द मार्केट ग्रो इन इंडिया बट द कंट्री बिकम इम्पोर्ट डिपेंडेंट। साथ उनके यहां पर जो स्टेटमेंट निकल कर आया है उसमें आप देख सकते हैं अमिताभ कांत वाज स्पीकिंग एट राउंड टेबल एमिंग टू वर्क आउट स्ट्रेटेजी टू प्रमोट एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इन इंडिया एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईवीज बैटरीज एंड हाई टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स। तो यहां पर जो नीति आयोग के सीईओ हैं इनका कहना है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को आने वाले टाइम में और ज्यादा सस्ता बनाया जाएगा जिससे इसकी डिमांड काफी ज्यादा आपको मार्केट में देखने को मिलने वाली है, और ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर हम हमारी जो बैटरीज है जो लिथियम आयन बैटरीज है उसका एक्सपोर्ट करेंगे, साथ ही साथ पुरानी गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएंगे।
लिथियम आयन बैटरी बनाने वाली दो कंपनियां जिसे आप बायोनडिप करते हुए चल सकते हैं। भले इन कंपनियों ने पिछले एक साल में कुछ अच्छे रिटर्न्स बनाकर नहीं दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कंपनी भले ही अभी रिटर्न्स बनाकर नहीं दे रही है, लेकिन इनका मोनोपोली का बिजनेस हमें मार्केट में देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहली कंपनी का नाम है एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड, जहां पर ये शेयर अभी आपको 165 रुपीज की वैल्यू पर देखने को मिल रहा है। इसी टाइम पर इसी शेयर्स की कीमत हमें लगभग 300 रुपीस पर देखने को मिलती थी, यानी कि ऑलमोस्ट 50% के डिस्काउंटेड प्राइस पर ये शेयर आपको देखने को मिल रहा है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, कंपनी का मोनोपोली का बिजनेस है लिथियम आयन बैटरी बनाने में। फंडामेंटल नंबर्स थोड़े से वीक हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है और कंपनी अभी भी प्रॉफिट मेकिंग हमें देखने को मिल रही है। तो यदि आप लॉन्ग टर्म पर्पस से लिथियम आयन बैटरी बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो फर्स्ट नंबर पर आप एक्साइड को रख सकते हैं। दोस्तों, लिथियम आयन बैटरी बनाने वाली कंपनियों की बात कर रहे हैं और अमर राजा बैटरीज की बात नहीं करें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस कंपनी का भी मेनली बिजनेस हमें लिथियम आयन बैटरीज बनाने को लेकर ही देखने को मिलता है। ये कंपनी भी आपको काफी शानदार रिटर्न्स फ्यूचर में बनाकर दे सकती है। इस शेयर ने भी पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा परेशान किया है, क्योंकि यहां पर हमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। 1000 रुपए के लेवल पर ट्रेड होने वाला शेयर अभी आपको 631 रुपीज पर देखने को मिल रहा है, यानी कह सकते हैं कि ये शेयर भी आपको ऑलमोस्ट 40% डिस्काउंटेड प्राइस पर देखने को मिल रहा है। तो इस शेयर्स के अंदर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, तो यहां पर भी आप आने वाले लॉन्ग टर्म के लिए अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। अमर राजा बैटरीज के भी अगर फाइनेंशियल नंबर्स देखेंगे तो यहां पर भी कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, लेकिन नेट प्रॉफिट कंपनी का डिक्लाइन हुआ है, लेकिन अभी भी कंपनी 144 करोड़ रुपीस के प्रॉफिट मेकिंग देखने को मिल रही है। तो नो डाउट ये दोनों ही शेयर्स फ्यूचर के लिए काफी अच्छे हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद इन दोनों शेयर्स को आप अपने पोर्टफोलियो में एड करते हुए चल सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अब उस शेयर के बारे में जहां पर आपको 1:4 के रेशियो का बोनस देखने को मिल रहा है, यानी कि हर 100 शेयर के बदले कंपनी आपको 400 शेयर देने जा रही है, या यूं कहूं कि हर 1000 शेयर्स के बदले कंपनी आपको 4000 शेयर्स देने जा रही है। बोनस की रिकॉर्ड डेट भी हमें यहां पर नेक्स्ट वीक में ही देखने को मिलने वाली है, तो आपको बिल्कुल भी यहां पर इस रिकॉर्ड डेट को इग्नोर नहीं करना है। आप देख सकते हैं 1:4 के रेशो का कंपनी यहां पर बोनस शेयर्स देने जा रही है, और जिसकी रिकॉर्ड डेट जो यहां पर फिक्स करी गई है वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। शेयर का नाम है केवल किरण क्लॉथिंग लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, जिसके अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें 6.5% तक की शानदार तेजी देखने को मिल चुकी है। पिछले एक साल में इस शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को ऑलमोस्ट 58% तक के शानदार रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। साथ ही साथ कंपनी के फंडामेंटल्स नंबर्स भी हमें काफी ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिल रहे हैं। तो यदि आप इस शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 17 दिसंबर 2021 की तारीख को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। साथ ही साथ आप लॉन्ग टर्म पर्पस से भी इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में एड करते हुए चल सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं उस कंपनी के बारे में जहां पर एक्विजिशंस को लेकर बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, जिसका नाम है टेक महिंद्रा लिमिटेड। जी हां दोस्तों, आईटी सेक्टर से बिलोंग करती कंपनी, जहां पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें लगभग 2% तक के करेक्शंस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन टेक महिंद्रा लिमिटेड ने भी पिछले एक साल में काफी अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। ऑलमोस्ट 70% तक के रिटर्न्स हमें यहां पर इस कंपनी की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। और आप देख सकते हैं टेक महिंद्रा एक्वायर्स 100% स्टेक इन एक्टिवस कनेक्ट। जी हाँ दोस्तों, एक्टिवस कनेक्ट के जो 100% एक्विजिशन है वो टेक महिंद्रा ने यहां पर कंप्लीट कर ली है, और इस न्यूज का इंपैक्ट भी आपको मंडे के दिन टेक महिंद्रा की शेयर प्राइस के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो यदि आपने टेक महिंद्रा के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहां पर आप अपनी पोजिशंस को लॉन्ग टर्म पर्पज से कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप शेयर मार्केट से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट्स को कंटिन्यूसली बेसिस पर, टाइम टू टाइम बेसिस पर पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।